के वीडियो हम बताएंगे जो कीबोर्ड है वो कौन सी होगी, 2022 में कौन सी कीबोर्ड हमें लेना चाहिए जिसकी जो है क्वालिटी अच्छी हो और उस पर टाइपिंग करने में आपको कंफर्टेबल फील हो, उसी आज के वीडियो में एक परफेक्ट जो है कीबोर्ड के बारे में आपको बताएंगे जिसपे आप बहुत ही आसानी से जो है टाइपिंग सीख सकते हैं। इस कीबोर्ड पे अगर आप टाइपिंग करते हैं तो आपकी जो है टाइपिंग स्पीड इस कीबोर्ड पे काफी अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिलेंगी और इसकी क्वालिटी भी बहुत बेस्ट है। मैंने 5-6 साल से इसको यूज कर रहा हूँ। कीबोर्ड का नाम है रप्पू NK1800 कीबोर्ड। रप्पू का जो भी कीबोर्ड है बहुत अच्छी कीबोर्ड आती है। इसका जो की का जो स्पेसिंग है वो काफी डिफरेंस पे यहाँ पे दी गई है जिससे टाइपिंग करने में काफी यहाँ पे कंफर्टेबल फील होती है। तो ये मैं आप तक का जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस वाला कीबोर्ड है और इसकी जो की है वो पुराने होने के बाद भी आपको की जो है हार्ड नहीं होता है, कंफर्टेबल एकदम आपका सभी की जो है कंफर्टेबल वर्क करती हैं, कभी हार्ड नहीं होती हैं। जैसे हमने बहुत सारे कीबोर्ड यूज कर रखे हैं, HP का, डेल का और मल्टीपल जो भी कंपनियां, बहुत सारे हमने कीबोर्ड यूज कर रखे हैं। सबसे हमें बेस्ट जो कीबोर्ड लगी है वो रप्पू का लगी है। 3-4 ईयर हो जाने के बाद भी इसका जो की है वो हार्डनेस नहीं होती है, जस का तस आपका सॉफ्टनेस इसका जो की है वो बरकरार होती है। इसीलिए मैंने सोचा चलिए इस पे एक वीडियो हम बना डालें। तो चलिए, बहुत अच्छी कीबोर्ड होने वाली है, आप एक बार जरूर ट्राई करिए, उसके बाद आप बताना कि कैसा कीबोर्ड है और क्या परफॉर्मेंस होती है, इसका की जो है कैसा काम करती है। बहुत अच्छी, मेरी नॉलेज से तो बहुत बेस्ट कीबोर्ड, मैं हमेशा जो है यही कीबोर्ड यूज करता हूँ, सभी जगह ऑफिस में भी, शॉप पे भी, स्टूडियो में भी इसी का कीबोर्ड हमने ले रखी है क्योंकि इस पे हमें काम करने में बहुत ही कंफर्टेबल फील होती है। चलिए इसके बारे में डिटेल चर्चा कर लेते हैं। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की कंटेंट इंफॉर्मेटिव वीडियो हमेशा मिलती रहे। तो चलिए बात करते हैं इसकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन एंड फीचर्स की। तो देखिए, यहाँ पे कीबोर्ड का नाम है रप्पू कीबोर्ड है, NK1800 है, या वायर USB कीबोर्ड है। इसमें आपको वाईफाई जो है कीबोर्ड भी आती है। मैं मगर सजेस्ट करूंगा कि आप जो है नॉर्मल USB जो है आप जो है वायर जो है कीबोर्ड ही खरीदें क्योंकि उसमें बैटरी इतनी ज्यादा जो है खपत होती है कि आप उसको, सभी के बस की बात नहीं है बार बार बैटरी चेंज करना और उसको वो मेंटेन कर रखना। तो मैं हमेशा जो है वायर कीबोर्ड की ही यूज करता हूँ। USB के बारे में हम नहीं बता सकते कि कैसा है उसका कीबोर्ड, हमने यूज नहीं की रखी है, जो भी यूज हमने किया है वायर्ड रप्पू कीबोर्ड ही यूज किया है। और देखिए इसकी मेन परफॉर्मेंस देखिए, 3 ईयर की वारंटी आपको मिल रही है। शायद ही आपको किसी कीबोर्ड में 3 ईयर की वारंटी मिलेंगी, वो भी 545 रुपए की कीबोर्ड में। तो इसकी परफॉर्मेंस की वजह से जो है यहाँ पे वारंटी भी इसकी 3 ईयर की मिल रही है। जो भी डेल आपका, HCL, HP जितने भी कीबोर्ड है 1 ईयर का ही वारंटी आपको वहाँ पे देखने को मिलती है, मगर इसमें आपको 3 ईयर की वारंटी मिलती है और कुछ होता भी नहीं है, बहुत मस्त परफॉर्मेंस जो है देती है। देखिए यहाँ पे कनेक्टिविटी जो है वायर्ड है, स्पेशल फीचर लेजर, PC, लैपटॉप, कीबोर्ड दोनों में आप यूज कर सकते हैं। और इसके पूरी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिटेल्स इसका देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे, देखिए इसमें क्या क्या आपको फीचर्स मिल रही हैं। देखिए इस तरह से आपका है, देखिए यहाँ पे आप की का स्पेसिंग देख सकते हैं कितना यहाँ पे गैपिंग है। देखिए इस तरह से इसका लुक होता है कीबोर्ड का, इस तरह का यहाँ पे फीचर्स यहाँ पे दी गई हैं। लेजर कैर्बड की कैप है, एंटीऑक्सीडेंट सील्ड मेम्ब्रेन्स है, और देखिए यहाँ पे स्पील रेसिस्टेंट इसका डिजाइन भी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। ड्यूरेबल इसका जो डिजाइन है बहुत ही ड्यूरेबल यहाँ पे दी गई है। लेट जो है LED लाइट यहाँ पे 3 आपको मिल रही है नम कैप से और स्क्रॉल की। और यहाँ पे देखिए प्लग एंड प्ले सिंपली जो है यहाँ पे आप जैसे ही प्लग करते हैं सिंपली ये जो है सपोर्ट कर जाती है लैपटॉप, किसी भी लैपटॉप डेस्कटॉप में आसानी से। तो ये इसका मेन फीचर्स है दोस्तों। और ब्रांड का नाम है रप्पू, मैन्युफैक्चरर रप्पू है, मॉडल इसका NK1800, कलर जो है ब्लैक में आती है और आइटम का जो हाइट है 3 मिलीमीटर होती है, आइटम का बीट जो है 15 सेंटीमीटर और मॉडल जो है NK1800 होती है। और जो इसका मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडिया और वेट जो है 690 ग्राम की होती है और 3 ईयर इसमें आपको वारंटी भी मिल जाती है।
तो ये आपके मेरे परफॉर्मेंस से बहुत अच्छी कीबोर्ड है, आप लोग एक बार जरूर इसका इस्तेमाल करिए और इसकी परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। अगर आप टाइपिंग सीखना चाहते हैं तो टाइपिंग के लिए बहुत मस्त है, इस पे आप टाइपिंग बहुत जल्दी सीख पाएंगे, क्योंकि इसका जो की का जो स्पेसिंग है काफ़ी अच्छी यहाँ पे दी गई है, जिससे इसमें टाइपिंग स्पीड अगर आपको 30 किसी कीबोर्ड पे नॉर्मल कीबोर्ड पे अगर आप 30 मारते हैं तो इस कीबोर्ड पे अगर टाइपिंग करेंगे तो आपको 35 जरूर स्पीड आपको हो जाएंगी। तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस के हिसाब से बहुत अच्छी कीबोर्ड है, और इसकी जो है की जो है काफ़ी ओल्ड होने के बाद भी इसकी की जो है जाम नहीं होता, बहुत अच्छी मतलब इसका की प्रेसिंग है और इसकी सॉफ्टनेस है। तो ये था दोस्तों आज के वीडियो में हमने जो डिक्लेयर किया कि जो है हमारे लिए जो बेस्ट कीबोर्ड 2022 में कौन सी है, तो रफू कीबोर्ड आप लोग इस्तेमाल कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलिए, चैनल पे परिवार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की कंटेंट हमेशा हमारे चैनल पर मिलती रहती है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।